अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको वेलकम अगेन। और आज है 21 फरवरी और आज है फ्रेश फ्रेश पीर का दिन। और यहाँ पर मैं अक्सर कुछ लोगों के लिए हम कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लेते हैं कि ये प्रोफेशन से जो टीचर है वो ऐसा होना चाहिए, और जो बैंक में काम करता है, जॉब करता है, उसका प्रोफेशन में उसकी ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए, और लड़की जो है वो अगर वो जो है हाफिज़ कुरान है तो उसका गेटअप एंड ऐसा होना चाहिए, यानी ये हमारे कुछ। और अगर मुझे याद है कि किसी ने एक बार मुझे ये सुनाया था वाक्य कि एक बार मौलाना जो है वो बेचारे कहीं चले गए साहिल समंदर पर और वो इंजॉय कर रहे थे, तो किसी ने आके रुका, अरे मौलाना साहब आप यहाँ क्या करें? तो उसने कहा क्यों मेरा यहाँ पर आने पे कोई पाबंदी है? मेरी खुशी नहीं है, मैं इंसान नहीं हूँ। तो यार हम लोगों ने कुछ क्राइटेरिया बना लिए कुछ लोगों के लिए कि वो ऐसा ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वही बात किसी और अंदाज में की जाए तो वो बहुत अच्छी लगती है, और अगर कोई और कह दे तो हमें बड़ा अजीब सा लगने लगता है। वाई तो आज यहाँ पर कौन मौजूद है? अगर मैं कहूँ कि जी इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, अगर वो कोई बड़ा मौलाना या कुछ और बंदा कहे तो हम कहते हैं जी हाँ ये सुन्नत भी है, या ये हमारे रब ने फरमाया, हमारे नबी सल्लम ने इतनी उनकी अजवाज मुतारात हैं। तो अगर हम किसी और पर्सन से कहें, और अगर इसको हम ज़रा सा दूसरे अंदाज में कहें तो हमें बहुत अजीब सा लगने लगता है। लेकिन अल्लाह जिसे इज्जत दे, क्या बात है उनकी व्यूअरशिप की। यहाँ पर कौन मौजूद है जिन्होंने ये कहा है कि मैं भी शादी करूँगा, मेरे अल्लाह मुझे तौफीक दे। थोड़ा अंदाज है बयां थोड़ा डिफरेंट था, और मुझे फिर हसन जहांगीर का भी एक गाना याद आ जाता है उसकी उन्होंने भी शादी का एक मैसेज दे दिया था। और इस तरह बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस वक्त कौन मौजूद है जिन्होंने ये धमाका कर दिया कि मैंने शादी करनी है और मुझे मेरे अल्लाह तौफीक दे। और देखते हैं अब उन्होंने कितनी शादियां खुद भी प्रैक्टिकल की हैं या लोगों को मशवरे दे रहे हैं। तो यासिर सोहरावर्दी इस वक्त मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बॉस? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं सुन रही हूँ आप इतनी अल्लाह से दुआएं मांग रहे, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के लोग दूसरी तरह मांगते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमें एक नहीं मिल रही है, तो ये आप मशवरे दे रहे हैं तो ये बेस्ट मशवरा है? खुद भी कुछ इस पे इम्प्लीमेंट किया है? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से अमल तभी आता है किसी को समझाने के लिए जब आप खुद उस बात के आमिल होते हैं। मिसाल के तौर पर आमिल से मतलब अमल करने वाला। नहीं, मैं मतलब आपने अमल किया इसका मतलब है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद इतने यंग से हो, मैं तो अभी सोच रही हूँ आप बिल्कुल अनमैरिड हो। 28 ईयर ओल्ड। रियली? अल्लाह पाक का गॉड गिफ्टेड है हुसैन यानी के। अच्छा बताए कितनी शादियां की? अच्छा ये भी बताना है क्योंकि मुझे देखिए ना, एक वाज़े नाज़रीन देख रहे हैं ना गुड मॉर्निंग विद सभी में, तो आप सबको मशवरे दे रहे हैं, तो वो सवाल यहाँ से ये तो नाज़रीन का कि आप ये बताइए कि ये पर्सन ने कितनी शादियां की हैं। हाँ मैंने अब जो है मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का दौर है, मैंने जब पहली शादी की थी मेरी 3 शादियां हैं। तीन शादियां की है मैंने। शॉकिंग शॉकिंग, ओ माय गॉड, 3 शादियां, ओए अल्लाह जी। मैंने अच्छा तीनों को इक्वलनेस आपने रिस्पेक्ट? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सब अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कहता हूँ कि करनी चाहिए और बेवा मुतल्लका औरतों से करूँ ताकि ऐसी औरतों को सहारा मिले, क्योंकि आजकल जो हमारे मुआशरे में जहेज, मैं इसको लानत कहता हूँ, इसकी वजह से बहुत सारी खवातीन के बालों में चांदी आ जाती है, सफेदी आ जाती है, शादियाँ हो नहीं रही। मैंने पहली शादी 18 साल की उम्र में की, मैं अगर उस वक्त कह देता मीडिया पर तो वायरल हो चुका होता उस वक्त से। जैसे कि आजकल एक ट्रेंड बन गया है यंग टीनेज जो है वो शादियाँ कर रहे हैं, तो बहरहाल उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जोर शोर था, अब जाहिर है वो सोशल मीडिया एक जोर शोर से मतलब तो मैं कहता हूँ कि मतलब ऐसी ख्वातीन से ज़्यादा रुझान होना चाहिए। अगर बड़ी एज के लोग भी करते हैं तो उनको भी ये चाहिए कि ऐसी ख्वातीन से कर लें, पहले तो ये करें। बाकी ये है कि अगर कोई किसी कुंवारी लड़की से भी करता है तो इस्लाम में मना तो नहीं है, लेकिन होना ये चाहिए कि यार उसमें अगर कोई 1, 2, 3 बीवियों को रखता है तो उनमें फिर ये है कि यार थोड़ा सा बराबरी भी करे, और पहली बेगम से मोहब्बत तो यही है कि उससे पूछ के। अल्लाह आप कितने अच्छे हैं, आपने कहा मैं तीनों अपनी वाइफ को, अपनी जोजा जो उनकी खबर जो उनकी बीवियां हैं उनको इतना ख्याल रखते हैं, और उन्होंने परमिशन भी दे दी, और इज्जत करनी चाहिए ना। बिल्कुल, लेकिन मैं सोच रही हूँ वो चाहे बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, चाहे माँ हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो कोई भी हो। क्या बात,
फिर मैं आपके गाने को कहूंगा, आपने जो सॉरी नज्म सुनाई है, या अल्लाह तौफीक दे मैं भी शादी करूंगा, या अल्लाह तौफीक दे। अच्छा एक और फिर नया, फिर आपने एक और क्या फिर लोगों को मैसेज दिया वो बताएं। दूल्हे बनो, दूल्हे बनो, लाओ तुम बीवियां दो तीन चार, अब जरूरत है करो तुम शादियां दो तीन चार। क्या बात, मैं बात है, वो लोग बड़े खुश होते होंगे जिनकी दो दो एक एक बीवी है, वो तुम्हारा जो नज्म है ना बड़े शौक से सुनते हो। वो बीवी थोड़ी सी बिचारी तंग करती होगी ना, मैं तो कहता हूँ औरत बड़ी एक मासूम औरत बड़ी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मतलब टेढ़ी पसली से बनी है, तो इसको बड़े प्यार से समझाना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा कभी जो है शरारत वगैरह कर देती है तो शोर कहता होगा देखो ये नज्म आ चुकी है दूसरी कर लूंगा, लेकिन मोहब्बत तो ये इजाजत लेके कर, वो तोते का आई मुझे तो सोचो वो तोते वाला जरा लगा इस फैजान, वो तोते वाला देखो या कोई सा कौन सा था वो मेरे जहन से निकल, रोजा रखो तो ऐसे रखो अल्लाह खुश हो। पिछले साल रमजान, बात है हम अगर बच्चों से या किसी से कहते हैं रोजा रखो अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं, इन्होंने अपना अंदाजे में जरा सा डिफरेंट कर दिया, तो उस पर भी लोगों ने बड़ा वो पॉइंटेड किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। एक बंदे का अगर है तो हैप्पीनेस में तो कह रहा है ना, तो ये क्यों ऐसा किया लोगों ने। मीम्स बनना तो मेरे ख्याल से कोई मायूब बात रही नहीं, वज़ीरे आज़म की वज़ीरे आज़मों की बन जाती है, वज़ीरा की क्रिकेटरों की बन रही है, तो हम जिस मुआशरे में रहते हैं अदम है बर्दाश्त है, बर्दाश्त होता नहीं है लोगों से। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मेरे कलाम 80% 85% पॉजिटिविटी में है, नेगेटिविटी तो हमारी नातों पर भी आ जाती है। यही मुसलमान ही होते हैं बेचारे जो ना समझ होते हैं, बॉडी लैंग्वेज पर डिसलाइक दे देते हैं, यार ये इसने हाथ बांध कर नहीं पड़ा। तो अब मेरे ख्याल से कोई भी नात इससे खाली नहीं है। हम अगर देखें पिछले मतलब 40-50 साल पहले चले जाएं, 30 साल पहले भी, तो कारी वही जफर कासमी साहब ये सारे नातवां होते थे और वो हाथ बांध कर पढ़ते थे। आज वो भी अगर पढ़ते हैं तो थोड़े बहुत बॉडी लैंग्वेज हो जाती है, चल जाती है। असल में हम लोग महव जब भी अब किसी सुरूर में महव हो जाते हैं तो बंदे का पोस्चर चेंज हो जाता है, ऐसा ही है। अंदाजे बयां करते करते हमें जैसे हम गुफ्तगू कर किसी की भी कर रहे हैं, रोने का जैसे रोने पे जाते हो तो हमारे अंदाजे बयां चेंज हो जाते हैं, शादी में जाते हैं तो फिर मेहंदी में जाते हैं, तो हर बंदे का एक अंदाजे बयां चेंज हो जाता है। ये बताएं कि ये कहाँ से शौक पैदा हुआ कि मैं इस तरह कहूँ, ऑफकोर्स आप नाते सुनाते हैं, तो फिर किस तरह ये चेंज हुआ आपका? मेरे जब कंफर्म जन्नती आया तो उसके बाद बहुत सारी प्रोडक्शन ने मुख्तलिफ पोएट्रीज वगैरह भेजी, ये भी किसी ने भेजी थी, मेरे बिल्कुल जहन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। कंफर्म जन्नती है ना, जो लोगों से जिनसे एक था वो सारे आपके उठा के ना उस पे लगा के इसकी इतनी बेइज्जती की है कि मैं बता नहीं सकती। बस एक पर्सन है ना, अच्छा, उसकी अच्छा, बेहूदगियों के ऊपर वो आपका लगा है, तो वो आपकी नहीं हुई, उन्होंने किसी की भी आपने तो की बात जन्नत, हाँ, उन पे करके उन्होंने उस पे लगाया। देखिए हर इंसान की रिस्पेक्ट नहीं है। उसको उन्होंने चेंज किया, कंफर्म दोजखी कर दिया ना। हाँ, देखिए मुझे भी किसी ने कहा है कि आपके बुरा लगा, लेकिन मैंने कहा देखिए मैं नेगेटिव चीजें नहीं पढ़ सकता। जन्नत एक अच्छी जगह है, एक खूबसूरत जगह है जहाँ मुसलमान का एक तसव्वुर है, बल्कि गैर मुस्लिम भी सोचते हैं, उनके यहाँ भी कॉन्सेप्ट है जन्नत दोजख का। तो मैं तो कहता हूँ कि हर मुसलमान जिसने कलमा पढ़ लिया वो भी जन्नत में जाएगा। जिसको ये भी नहीं पता ना कि कलमा पढ़ते कैसे हैं और उसको सिर्फ पता है कि मुसलमान, वो भी जन्नत में जाएगा। देखो बड़ी बात, तो ये तो अल्लाह ताला और हमारे इस्लाम ने और खासकर इंसानियत, इसने तो इंसान को रिस्पेक्ट दी है, लेकिन इंसान खुद ही अपने हाथों से दूसरे को, बस मैं तो यहाँ पर एक छोटी सी बात कहूंगा कि जो खुद इज्जत वाला होता है ना वो दूसरे को इज्जत देता है। और इंसान के एक छोटी सी बहुत प्यारी बात मेरे प्यारे भाई यासिर सोहरावर्दी ने की, जो खुद इज्जत वाला होता है वो दूसरे की इज्जत करता है। याद रखिएगा, गलतियां हो जाती हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, उनको संभाल लेना चाहिए। गलती गलती तो हजरत आदम अलैहि सलाम से भी हुई थी, हो गई थी ना उनसे, लेकिन गुनाहों से पाक होते हैं, लेकिन गलती जो है ना वो एक खता कहते हैं उसको, जो कि क्योंकि अंबिया से गुनाह नहीं होते बिल्कुल। और इंसान के अपने बुरे होने के लिए, तो हदीस है कि इंसान के अपने बुरे होने के लिए इतना काफी है कि दूसरे को, लेकिन अल्लाह पाक ने ये भी तो बताना था अगर खता होगी तो तुम फिर दरवाजा माफी का, बस बस माफी मांगोगे, अल्लाह कितने खुश होते हैं। तो बस बिल्कुल शैतान कभी कभी दिल में डाल देता है, यार तूने इतनी बार गुनाह किया है तो अब मत जा, शर्म आनी चाहिए तुझे अल्लाह के सामने, ये शैतान डालता है। लेकिन अल्लाह कहता है अगर ये बंदा 70 बार नहीं 70,000 बार भी आएगा तो मैं इसे माफ कर दूंगा। हकीकत हकीकत, हम लोग नहीं माफ कर सकते, इंसान ही तो माफ नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, इंसान माफ नहीं करता, अल्लाह माफ कर देता है, बंदे माफ नहीं करते, हालांकि उसको खुद नहीं पता कि वो कितना खताकार है। मैं कहता हूँ अगर कोई सिर्फ अपने गिरेबान में झांक कर देख ले तो सारी दुनिया अच्छी नजर आने लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं, वो कहता मैं ही अच्छा हूँ और सब बुरे हैं। मैं सच कह रही हूँ, हर इंसान की ये सोच है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, आई एम अ राइट,
लेकिन सामने वाला गलत है। लेकिन मैं कहती हूँ आप अच्छे बन के सामने वाले को कन्विंस कर दे कि आपको वो कहे कि यू आर बेस्ट। बिल्कुल, लेकिन हम लोग इसके एफर्ट नहीं करते। हम इसके एफर्ट करते हैं कि रिलेट करना कैसे। मुआशरती निजाम वो ना रहा जो मेरे ख्याल से हम 90 के दौर से, मैं तो 1992 की पैदाइश है मेरी, मैं कहता हूँ उस वक्त बड़ा एक अच्छा, मैं हालांकि मतलब जब 2000 शुरू हुआ तो मैं 7-8 साल का तो हूँगा, लेकिन मुझे बड़ा एक अच्छा लगता है, वो सारा वक्त याद आता है कि यार वो क्या दौर था, उससे पिछले का दौर कितना अच्छा होगा। सारी मोहब्बत ही थी लोगों की, आपस में लाइट चली जाती थी तो कहते सारे घर वाले जमा हो जाते थे, अब किसी को बराबर में बैठे हुए का पता नहीं है कि यार ये कौन है, या घर वाला बैठा हुआ है, घर वाली बैठी हुई है, भाई बैठा हुआ है, मोबाइल में लगे हुए सब, वक्त ही नहीं किसी। एक बात है, वक्त नहीं, आपने तो 3 बीवियां करी, आपको वक्त कैसे दे देते हैं। कोशिश करनी चाहिए। देखें इसका मैं बताता हूँ कि इंसाफ हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, लेकिन कोशिश करती रहनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक को रेड पसंद है, मेरे लिए रेड सूट ले आओ, अब दूसरी कह रही नहीं मैं ब्लू लूंगी, अब वो 1200 का लिया है, ये 1300 का ले लिया, मिसाल दे रहा हूँ, वो 6000 का सूट ले लिए, 10000 का, तो 4-5000 का फर्क आ गया, फिर ये बराबरी तो नहीं हुई। लेकिन अगर वो उसमें खुश है और इजाजत है तो ठीक है। लेकिन आप एक बात बताएं, तीनों आपस में कभी लड़ती हैं? अच्छा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीबी आयशा सबसे ज्यादा प्यारी थी, और आपको अपनी अभी घर जाके फड्डा होगा। तीनों बहुत अच्छी लगती है। चलो यार, नहीं लड़ाई नहीं करते। पहली मेरी जो पहली है, वो लोग कहते हैं ना कि यार मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, वो कहते हैं यार मैं तंग आ गया हूँ यार, दूसरी शादी मैंने तभी की है, ऐसे हैं, और यार मैं तंग आ गया हूँ, मैं दूसरी शादी करूंगा, लेकिन मैं कहता हूँ मेरी पहली बेगम अच्छी है तो मैंने बाकी की है, अगर वो इजाजत ना देती तो मैं शायद नहीं कर सकता। क्या बात है, इसका मतलब है जो फर्स्ट वाइफ है दी बेस्ट है, ऑफ कोर्स वो अच्छी है तो दो और आई हैं, सभी अच्छी है, सबकी अपनी अपनी, हर फूल की अलग खुशबू। बिल्कुल बिल्कुल, गुलाब की अलग खुशबू, चमेली की अलग। जो दो आई है ना उनको भी बड़ी की रिस्पेक्ट ही करनी चाहिए उनकी वजह से, सबकी बिल्कुल, और आपस में मतलब बात भी करती है, मिलती भी है कभी कभार, अलग अलग घर में, अलग अलग। अच्छा, सबको अलग अलग। जी जी। बच्चे आपके कितने हैं? मेरी बस पहली वाइफ से अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटियां हैं, 9 साल की बड़ी बेटी है मेरी। अच्छा। और दूसरी मेरी 7 साल की। अच्छा अच्छा, हमारे एक बहुत प्यारे कॉलर हैं, रेगुलर हैं, बहुत नाइस हैं, सबको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, तो आज वो हमारे दरमियान है, तो जो मैं उनसे बात करूंगी आप फिक्र ना करें। अस्सलाम वालेकुम भैया, मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप? ठीक हो? आप भी मेरी प्यारी बहन है, आप भी मुझे रिस्पेक्ट देती है, और जो रिस्पेक्ट देता है उसको अल्लाह ताला रिस्पेक्ट जरूर देता है। बेशक। पहले तो इनको सलाम हो यार, मेरी बीवी साथ बैठी हुई, आपने भी क्या मौजू छेड़ दिया, कौन सा मर्द है जिसका दिल नहीं करता, लेकिन हिम्मत तो सिर्फ आमिर भाई की तरह सबकी नहीं होती ना, तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दिल सबका करता है, लेकिन करते कोई कोई मसला ये कि देखिए बात ये कि मेरी नजर में तो यकीन करें कि जिन्होंने शादी की है दूसरी या तीसरी दूसरी की है, तो उनके जो बेचारे थोड़े से बाल पे रह गए थे वो भी उड़ गए ज्यादातर के, तो बड़ा मुश्किल केस होता है, लेकिन बहरहाल खुश नसीब होता है। मुझे देखे बड़ा टेम्प्ट करते हैं नामिर भाई की, जब मैं पोस्ट देखता हूँ, वीडियो देखता हूँ, तो यार मैं कहता हूँ कितने खुश नसीब आदमी, हम कितने बदनसीब हैं। इनसे मुझे बताए ना गुर, तो बताए यार किस तरह इजाजत नहीं, बीवी तो इजाजत देगी नहीं, आप बताओ ना किस तरह गुर, कोई गुर बताओ हमें, तरीका बताओ हम क्या मतलब, वो पता है आपको सभी जब सऊदी अरब वगैरह में जिसकी एक बीवी होती है ना, तो वो उसको कहते हैं ये बहुत मिस्कीन आदमी है। तो हमारे यहाँ तो बारह माशाल्लाह, हम तो सारी ज्यादातर मिस्कीन है, चंद लोगों को ये खूब मिलती है, लेकिन बहरहाल एक बात मजाक के अलावा कहूँ कि देखें बात ये कि अगर आप इंसाफ कर सकते हैं, और अगर आप सारा इस्लाम हमें दूसरी शादी पे ही नजर आता है भाई, दूसरे हकूक भी तो पूरे करो, सारा इस्लाम यहाँ क्यों नजर आता है, इस्लाम तो दूसरी चीजों पर दिए, तो बेहतर ये है कि आफियत के साथ जो मामला हो ज्यादा बेहतर है। थैंक यू सभी, थैंक यू भैया, क्या कहते हैं इनकी बात पे? हाँ बहुत अच्छी बात कही, मैं तो कहता हूँ अगर आप एक से खुश हो तो दूसरी ना करो, मेरा ये भी मैसेज है, पिछले साल वाला कलाम जो था उसमें एक ही शादी का मैंने कहा है, तो अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते या आप बराबरी नहीं कर सकते, और या फिर आप अगर लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि पहली बीवी के हुकूक अदा नहीं हो रहे, सही कह, अगर वो नहीं कर रहे तो फिर दूसरी आप ना करें, मैं तो कहता हूँ। और बाकी भाई ने एक और बात की कि सारे इस्लाम हमें यही नजर आता है, तो मैं कहता हूँ कि मैंने इस सुन्नत की अगर बात की है तो मैंने बाकी सुन्नतों की नफी कहाँ की है इस कलाम में, हर सुन्नत का अपना मजा है, उसका अपना एक वक्त है, दाढ़ी अलग सुन्नत है, नमाजों के बाद अलग सुन्नतें हैं, हज के वक्त कुछ अलग सुन्नतें हैं, सारी मतलब सुन्नतें सिर्फ शादी पर नहीं होनी चाहिए, ये मेरा है, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज में कहता हूं, तो अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते और एक को वक्त नहीं दे रहे तो आप ना करें, आप एक ही पर इक्तिफा करें, सारी मोहब्बतें उसी को दें, और अगर वो ये चाहती है कि ना करें तो आप कभी भी ना करें।
अच्छा। मोहब्बत तो ये है बेगम से ना, कि अगर वो इजाजत नहीं दे रही तो आप किस तरह से कर रहे हैं, मोहब्बत अच्छा, तो ये होनी चाहिए। जो मैं कन्विंस ये हुई हूँ कि यासिर कहना चाह रहा है कि देखिए अगर आप उसको रख सकते हैं तो आप अच्छे लगते हैं, लेकिन आप अपनी जो है ना वो सिर्फ थोड़ी सी गुफ्तगू के लिए हाँ थोड़ा एंटरटेन हो गए तो यार इसको मैं ऐसे बेवकूफ ना बनाए। अगर आप खास तौर पे जो मैं ये कहूंगी कि हमें जो मैसेज दिया गया है वो उन खवातीन का दिया गया है कि ये ना उन खवातीन वो बेचारी पहले ही परेशान है, पहले ही उसके दो बच्चे हैं और आप अपनी उसको बेवकूफ बना के थोड़ा अपनी चिकनी चोपड़ी बातों में ला के उसको अपनी पहली बीवी से छुपा के सही बात और जिंदगी बर्बाद करिए, बिल्कुल गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। अगर कोई छुपाता है ये तो धोखा देना हुआ ना, ये तो ऐसी ही बात हुई मिसाल के तौर पर कि आपने जो है मतलब कोई चीज जो है ना वो बाहर खा ली और घर पर आए और बेगम ने दाल बनाई हुई है, बस आप उसको कह रहे कि मुझे तो भूख नहीं है आप दाल खा लें, ये भी एक धोखा है। आप जो अपने लिए पसंद करते हैं अपने मुसलमान भाई के लिए, तो हदीस है कि अपने मुसलमान भाई के लिए जो पसंद करते हैं मतलब जो आपके मुसलमान होने के रिश्ते से भाई है, सगा भाई भी नहीं, तो जो पसंद करते हैं अपने लिए वो उसके लिए पसंद करें, तो बेगम तो फिर आपकी शरीक हयात है, पूरी जिंदगी की गम खुशी की साथी है, उसको अगर आप धोखा दे रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से ये तो ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये स्कूल गोइंग आप कॉलेज गोइंग फिर गए स्कूल में, तो ये स्कूल से कब से ये स्टार्ट हुआ था कि ये बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में मैं जो है प्रेजेंट करूँ इस नज़्म हाँ। को मैं सनाख्वानी तो 22-23 साल से कर रहा हूँ, 6 साल की उम्र से मैंने सनाख्वानी का आगाज किया। बस ये है कि मैंने जब 3 साल पहले कन्फर्म जन्नती आया मेरा तो उस वक्त जो है वो वायरल हो गया, न्यू जनरेशन में बच्चों ने बहुत पसंद किया, नए जिसको हम यंग जनरेशन कहते हैं तो उन्होंने बहुत पसंद किया इसको। मैंने उसके बाद सोचा यार कि जिस अंदाज से ये टीनेज है नौजवान है इसको किस तरह से मैसेज देना चाहिए वैसे ही बॉडी लैंग्वेज इख्तियार करनी चाहिए इस कलामों में। बाकी आप मेरी नाते हैं मेरे मनाकिब जो मेरे अहले बैत की शान में सहाबा की शान में कितनी माशाल्लाह अभी बताए थे रेटिंग कितनी है आपने बताया था मिलियंस में अल्हम्दुलिल्लाह हर कलाम तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नहीं है अच्छा नहीं अच्छा नहीं देखे जा रहे हो देखे जा रहे हो ये तो क्या है तो ये तो मुनाफिकत कहलाती है देखे जा रहे हो मैंने भी देखा और फिर हमला ये अच्छा नहीं अच्छा नहीं और जो इसमें अच्छा बड़े क्राइटेरिया है इसमें कुछ लोग जेलिस लोग देखते होंगे कुछ लोग तुम्हारे कॉम्पिटिटर देखते होंगे कुछ लोग जो दो दूसरी शादी के लिए बोले यार ये तो बंदा हमारी फेवरेट की बात कर रहा है अब ऐसा कलाम भी लाऊंगा मैं अच्छा, कुछ जिसमें हुकूक बताऊंगा बीवियों के और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से जो करें लाहौल वाला कुआत है जो हम किस तरह बात कर रहे हैं कि हमारे मजे और ये देखो किस तरह बात वही है बस थोड़ा सा कहने का लहजा तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। बात कहते हैं ना एक बादशाह ने वैसे शुरू में जब आया था ना कन्फर्म जन्नती मैं हक्का बक्का ये किसकी जन्नत दे रहे हैं हम लोगों को वैसे एक वाक्य सुना दे एक दफा सुना दे यार एक बस एक लाइन सुना दे ये वाक्य सुना देता हूँ कि बादशाह ने ख्वाब देखा उसने 3 नजूमियों को बुलाया अब एक से कहा कि इसकी ताबीर क्या उसने कहा बादशाह सलामत आपके खानदान वालों को एक एक करके आपके सामने मार दिया जाएगा उसने कहा जाओ लटका दो दूसरा आया उससे पूछा क्या है उसने बोला कि आपके खानदान वाले एक एक करके आपके सामने मर जाएंगे बादशाह फिर नाराज भाई जाओ लटका दो तीसरा आया उसने दोनों का हाल देखा उसने कहा यार मेरा भी ऐसा लाओ जाए उसने क्या जवाब दिया देखें सवाल को समझना भी बड़ी हिकमत की बात है उसने कहा बादशाह सलामत आप अपने खानदान में सबसे तवील उम्र पाएंगे वही जवाब आ गया वही जवाब है बात का अंदाज चेंज हो गया तो कितनी खूबसूरत हो गई मैं 2 अशआर सुना देता हूँ आपकी बंदा है जो जली का कलमा पढ़े नबी का आशिक है जो अली का बंदा है जो जली का कलमा पढ़े नबी का आशिक है जो वली का ऑफ कोर्स कन्फर्म जन्नती है कन्फर्म जन्नती है कन्फर्म जन्नती है सजदा करे खुदा को माने जो मुस्तफा को चूमे खाने काबा को रब से मुराद रखे कुरान याद रखे खालिक को शाद रखे डेफिनेटली कन्फर्म जन्नती है कन्फर्म जन्नती है कन्फर्म जन्नती है बात है थैंक यू सो मच वाकई में इनके लव्स जो हैं वाकई में हमारे लिए एक वो ऐसे रानुमाई कर रहे हैं जैसे हाँ ऐसा है और हकीकत है लफ्जों की बात होती है सिर्फ थोड़ा सा इसको मैसेज को आपने कन्वर्ट किया दूसरे अंदाज में ये तो डफली पे होना चाहिए डफ जो बजता है डफी पे किया डफ पे बहुत जबरदस्त कोई म्यूजिक यूज नहीं करता मैं किसी कलाम में अपने सिर्फ डफ यूज करता हूं उस पर भी लोग कह देते हैं म्यूजिक में कहता हूं गाने खुद सुनते हो कहते हमें जैसे तुम्हारे साथ ये आधा घंटा कम है आपके साथ एक और सेशन होगा जाते जाते अपने नाज़रीन से खूबसूरत सा मैसेज शेयर करें मैं यही कहूंगा कि नफरतें तो
फैलाने वाले पहले ही बहुत हैं, मोहब्बतों की कमी है, मोहब्बतें दो, सबको गले से लगा लो। अगर कोई आपके साथ बुरा भी कर लेना तो ये सोचकर माफ कर दो, और या ये सोचकर उससे माफी के तलबगार बन जाओ कि अगर माफी मांगने से, हदीस सुना रहा हूँ कि अगर माफी मांगने से इज्जत घट जाती है तो कयामत के दिन मुझसे ले लेना, हुजूर फरमाते हैं। बड़ी बात, वाकई हकीकत, इसमें कोई शक। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपको मेरे साथ? बहुत अच्छा लगा। अब और जाते जाते मैं ऑफ कोर्स मैं कहूंगी शादी की कोई नज़्म सुनाना चाहेंगे अपने नई वाली सुना देता हूं दो। हां हां श्योर श्योर सुनाएं। दूल्हे बनो लाओ तुम बीवियां, बीवियां दो तीन चार, ये सुन्नते रसूल है। शादियां 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 दो तीन चार, दो तीन चार। शादियां शादियां दो तीन चार, सर पटक के ही मरेगी, अब सुनो रस्म जहेज। सर पटक के ही मरेगी, अब सुनो रस्म जहेज। तुम निकाहों में जो लाओ लड़कियां, बीवियां बीवियां दो तीन चार, दो तीन चार। शादियां क्या बात है, अपना बहुत ख्याल रखना। जी नाज़रीन, हम लोग यहाँ पर ब्रेकेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मैसेज दे